हेलो एवरीवन, आज हम सिंपल लिफ्टिंग मशीन में जो लास्ट सिंपल लिफ्टिंग मशीन बच गया है, सिंगल परचेज कर्व बेंच और डबल परचेज कर्व बेंच, इसकी एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि इसमें कैसे हम वेलोसिटी रेशियो और इफिशिएंसी को निकालेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज को निकालेंगे, तो इसकी एनालिसिस करेंगे। ऑलराइट, इस समय जो ये आपके सामने स्क्रीन पर जो सिंपल लिफ्टिंग मशीन है, ये सिंगल परचेज कर्व बेंच है। इसको मैं चाहता हूँ आप इसको 2 मिनट ध्यान से देखें, 2 मिनट तो नहीं, कुछ सेकंड्स तक देखिए ध्यान से। देखिए कैसे दो व्हील में जो टिथ है, कैसे ये दोनों गियर्ड अप है आपस में। कनेक्शन को देखिए इसके, ऑलराइट। जैसे ये मैं कह लूँ, ये एक्सियल है इसका, लेट्स सपोज एक्सियल है, इसको मैं पिनॉन कह लूँ, ऑलराइट। और ये जो है, ये स्पड व्हील है जो लास्ट वाला है, इन दोनों के बीच में कैसे गियरिंग है आप देख रहे हैं। एक दूसरे के जितना टीथ का मूवमेंट पिनॉन में होगा, उतना ही टीथ का मूवमेंट स्पड व्हील में होगा, क्योंकि एक दूसरे से ये इस तरह से अरेंज्ड है कि एक टीथ दूसरे के होल में से, लेट सपोज कि ये स्पड व्हील है, ऑल राइट, ये स्पड व्हील का टीथ है। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए मैं बना पाता हूँ कि नहीं, ऑल राइट। और ये लेट सपोज कि ये हमारा कुछ ऐसा, ऑल राइट, अलग कलर से बना दूं क्या। ये हमारा पिनॉन व्हील है, ठीक है, इसका जो टीथ होगा वो ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको आइडिया लग रहा है, इन दो टीथ के बीच का जो होल है उसमें दूसरे का व्हील का टीथ है, ठीक है ना। ये पिनॉन हो गया और ये आपका स्पड व्हील है, इस तरह का कुछ कनेक्शन है। तो लेट सपोज नंबर ऑफ टीथ इसमें T1 है, ठीक है ना, तो T1 टीथ इसमें है, तो पूरा एयर एक रिवॉल्यूशन इसको हम लेट सपोज कि यहाँ कोई वेट लगा के, जैसे ये अरेंजमेंट है, यहाँ कोई वेट लगा दिया हमने, लेट सपोज ऐसे कोई वेट लगा दिया, वेट लगा दिया, वेट नहीं लगा दिया, लेट सपोज यहाँ पे आप इफॉर्ट लगा रहे हो, इफॉर्ट है, पी इफॉर्ट, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि ये जो है पूरा रोटेट करेगा, ये जो आपका पूरा व्हील है ये रोटेट करेगा, ठीक है, रोटेट करेगा, लेट्स वन रिवॉल्यूशन इसका होता है, पूरा वन रिवॉल्यूशन होगा, 2 पाई आर, लेट सपोज ये आर है इसका रेडियस, तो 2 पाई आर लेट सपोज एक रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है। उतने देर में इसमें जो टीथ है, टोटल नंबर ऑफ टीथ पिनॉन में T1 है, तो T1 टीथ का मूवमेंट होगा, तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली ये T1 टीथ का जो मूवमेंट है ये किस पे ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टीथ है उसमें ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि जितने टीथ इसमें हैं उतना ही मूवमेंट अल्टीमेटली उस पे देगा दूसरे वाले पर, ऑल राइट। तो बेसिकली अभी आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया लगाओ कैसे है। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हो सकता है ये व्हील ना, हर जगह जितने भी सिंपल मशीन पड़े हैं लिफ्टिंग मशीन, यहाँ व्हील ना हो के आपको एक ऐसा है हैंडल दे दे घुमाने के लिए, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत करिएगा। लेट सपोज इसको भी आर ही मान लेते हैं, ठीक है, आर लेंथ का है, अभी भी जो है 2 पाई आर का होगा एक रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब ये हाथ से घुमा घुमा रहे हैं, कोई आपको
स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो यहाँ पड़ रही थी, यहाँ कोई फोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बाकी आप गोल गोल घुमा रहे हैं तो चीज़ें वही रहेगी। ऑल राइट, चलिए। अच्छा देखिए, जो अभी आपने जो अरेंजमेंट देखा उसी को मैं यहाँ बेसिकली दिखा रहा हूँ, ठीक है। सेम अरेंजमेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे एक पी फॉट लगा के भी आप काम कर सकते हैं या फिर एक ऐसा कनेक्शन से भी काम कर सकते हैं। ऑल राइट, इसके अलावा जो पहला वाला पिनॉन है, पिनॉन व्हील जो है इस पर टी वन है नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। और जो स्पर व्हील है, स्पर या मेन गियर, एक्चुअल में दोनों ही पिनॉन और स्पर दोनों ही गियर हैं एक तरह के, ठीक है ना। गियर तो आप जानते हो कि अब बहुत देर हो गया, आपको सब पता है गियर क्या होता है। आप घड़ी से लेकर टरबाइन तक हर चीज़ में गियर देख रहे हैं। एक दूसरे गियर का यूज़ क्यों करते हैं, एक दूसरे कंपोनेंट में मूवमेंट ट्रांसफ़र बेसिकली करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ गियर होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक गियर है। ऑल राइट, स्पर व्हील और पिनॉन। तो बेसिकली देखिए, टी वन है, टी टू है, ठीक है। और स्पर व्हील से एक लोड ड्रम ये लगा हुआ है, लोड ड्रम, ठीक है। लोड ड्रम में क्या है, लोड ड्रम में स्ट्रिंग जो है वो लपेटा हुआ है, ठीक है। स्ट्रिंग से एक लोड डब्लू अटैच्ड है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि हम यहाँ मूवमेंट देंगे, यहाँ मूवमेंट देंगे तो अल्टीमेटली ये घूमेगा। ऑल राइट, लेट्स सपोज अल्टीमेटली ये घूमेगा घुमाने पे, यहाँ मूवमेंट देने पे या फिर इसको हैंडल को घुमाने पे, और उसका असर से ये पिनॉन घूमेगा, पिनॉन के घूमने से ये स्पर व्हील घूमेगी, स्पर व्हील के घूमने से लोड ड्रम घूमेगा, लोड ड्रम के घूमने से वेट घूमेगा, ठीक है। ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, ठीक है। अपोजिट ऑब्वियसली इसका जो मूवमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो लोड ड्रम भी ऊपर के तरफ, तो लोड ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को यही करना है, जो हमारा अरेंजमेंट है हम चाहते हैं इसको लिफ्ट करना, हमारा यही तो काम है लिफ्टिंग मशीन्स में, तो लिफ्ट करते हैं इसको, ठीक है। देखिए एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जैसे पिछले फिगर में मैंने, आप भी इस तरह से एग्जाम में बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने ये वाला फिगर लिया है। एक के व्रत को आप ज़्यादा दिखा दीजिए, जैसे स्पर व्हील के व्यर्थ को थोड़ा ज़्यादा दिखा दिए, तो इससे पता चलता है दोनों जो कंपोनेंट है अलग अलग है। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी फिगर मार्केट में घूम रही है किताबों में, जो एक लंबा स्ट्रिप तो दिखाती है लेकिन वो कहीं डिफ्रेंशिएट नहीं करती है कहाँ पे स्पर व्हील है, कहाँ तक पिनॉन है, तो एक अच्छा उससे विजुलाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे एक और मैं फिगर दिखाऊँ आपको ये, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक डिवीज़न है, यहाँ पे डिवीज़न है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हाँ चलो ऊपर पिनॉन है, नीचे स्पर व्हील है, ठीक है। फिगर हमारा ठीक है, टी वन ऊपर, टी टू नीचे। ध्यान रखिएगा ऊपर टी टू नीचे टी वन मानिएगा तो फॉर्मूला अलग हो जाएगा, कहाँ टी वन आप ले रहे हैं इस बात का ख्याल रखिएगा। सॉरी, तो बेसिकली पिनॉन हो गया, ये स्पर व्हील हो गई यहाँ तक। तो देखिए यही देखिए, इसको मैं दिखा रहा था, यहाँ पे कुछ कनेक्शन है, गियर्ड है यहाँ पे, ठीक है, गियर है यहाँ पे। तो अब हम लौटते हैं, अपना पूरा कनेक्शन आपको अब समझ में आ गया है, कैसे एक्सियल से पिनॉन जुड़ा है, पिनॉन से गियर्ड है स्पर व्हील, स्पर व्हील से जुड़ा हुआ है आपका लोड ड्रम, लोड ड्रम से वेट लटका हुआ है। ये पूरा कनेक्शन आपको अब समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे बेसिकली फंक्शन कैसे होता है। देखिए किस किस चीज़ को क्या क्या माना गया, W तो लोड है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। P जो है इफॉर्ट है, R जो है लेंथ ऑफ हैंडल है, छोटा R जो है रेडियस ऑफ लोड ड्रम है, ये R है छोटा R, ठीक है। और T1 जो है टीथ ऑफ पिनॉन है, और T2 जो है नंबर ऑफ टीथ इन स्पर व्हील है, ठीक है ना। अब क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन में हैंडल का आप एक रिवॉल्यूशन लगाते हो तो कितना डिस्टेंस इफॉर्ट मूव करता है, ठीक है। इफॉर्ट जो मूव कर रहा है ऐसे पूरा गोल, इफॉर्ट कितना मूव कर रहा है, इफॉर्ट मूव कर रहा है 2πr, सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्किल जो बनेगा 2πr, तो बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए,
टू पाई आर है। आपको याद है जब मैं आपको वॉर्म एंड वॉर्म व्हील पढ़ा रहा था, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील पे एक बार चले क्या हम लोग? एक मिनट, तो ये देखिए, ये वॉर्म एंड वॉर्म व्हील आप याद करिए, जब मैंने आपको बताया था ये वॉर्म एंड वॉर्म व्हील पे हम लोग चले आए, ठीक है। तो वॉर्म एंड वॉर्म व्हील जब मैं आप लोग को बता रहा था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो मान लीजिए कि सिंगल थ्रेडेड है, सिंगल थ्रेडेड है कि डबल थ्रेडेड है, क्या है मतलब उस पर निर्भर करेगा। बताया था ना एक एक टर्म आपको मैंने बताया था, सिंगल थ्रेडेड है कि डबल थ्रेडेड है कि मल्टीपल थ्रेडेड है। सिंगल थ्रेडेड होगा तो एक बार इसका रिवॉल्यूशन पे एक टीथ का मूवमेंट होता है, ठीक है ना। मतलब कि नंबर ऑफ टीथ्स यदि टी है तो पूरा 2πr घूम रहा है, 2πr तो डिवाइडेड बाई टी हो जाता था, ठीक है, क्योंकि एक टीथ सिर्फ घूम रहा है। डबल होता था तो दो हो जाता था, ठीक है ना, एंड सो ऑन। इस तरह से हमने पढ़ा था, ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि यहां पे, यहां पे क्या करे, यह होगा, यहां पे क्या होगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ गलत है, स्पर व्हील, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ किताबों में बहुत सारी गलतियाँ भी रहती है, ये है स्पर व्हील, ठीक है। और दूसरी गलती, यहाँ पे पार्टीशन तो दिखाया नहीं, कहाँ तक स्पर व्हील है, कहाँ पे पिनॉन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जितना डिस्टेंस यहाँ होना चाहिए था उतना डिस्टेंस यहाँ होना चाहिए था, कुछ अरेंजमेंट सही नहीं है, इसलिए फिगर पहले जो मैंने दिखाया था उसी तरह से बनाइएगा। टेक्निकली वो सही नहीं लग रहा है, ठीक है। पहले जो मैंने आपको दो फिगर दिखाए अभी इस वीडियो में, इसके सिंगल परचेज कर्व इंच का वो वाला फिगर बनाइएगा, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली अभी आपने देखा क्या होता था, जब सिंगल व्हील का मूवमेंट होता था तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे, कितना 2πr, सिंगल थ्रेडेड होता था, सिंगल थ्रेडेड टी होता था, उसमें किसमें, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील में। लेकिन वॉर्म एंड वॉर्म व्हील में सिर्फ सिंगल थ्रेड का मूवमेंट हो रहा था, यहाँ तो ऐसा कुछ मूवमेंट हो नहीं रहा है। यहाँ पे तो अल्टीमेटली कितना ये मूवमेंट होगा, कितना मूवमेंट हो, यहाँ पे दोनों के दोनों क्रॉस सेक्शन। अगर आप इसको इस तरह से देखिएगा, लेट सपोज इस व्यू में हम देखें, यहाँ से देखें तो ये व्हील है, लेट सपोज व्हील का ऐसे इस पे ऐसे है, इस पे टूथ है, थ्रेड है इसका, तो मतलब सॉरी टूथ है इसका, टीथ है इसका। तो बेसिकली कितना टीथ मूव करेगा, उतना ही टीथ मूव करेगा जितना ऊपर वाला, इसको भी साइड व्यू से देखते हैं, ठीक है, अलग दिखा रहे हैं, ठीक है। इसका अपना टीथ होगा, इसका लेट सपोज टी वन है, ठीक है। तो टी वन ही मूव करेगा ये। पहले तो लिखिए, एक एक के बीच का दूरी कितना होगा, ये टी टू है, लेट सपोज ये वाली डिस्टेंस हमको निकालनी है, ठीक है, मूवमेंट जो हो रहा है इसकी वजह से। तो 2πr बाई इसमें इसमें टी टू है, ठीक है, बाई टी टू, ये हम पहले से जानते हैं, हम लोग वॉर्म एंड वॉर्म व्हील से पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। हमको एक टीथ के बीच का जो मूवमेंट है, यदि पूरा वन रिवॉल्यूशन हो रहा है तो हमको पता चल गया। लेकिन सिर्फ एक ही टीथ मूव करेगा क्या, एक जितना टीथ ऊपर वाले में है, पिनॉन में है, उतना ही स्पर व्हील में भी मूवमेंट होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, स्पर व्हील में भी उतना ही मूवमेंट होगा और लोड में भी, लोड भी उतना ही ऊपर जाएगा जाएगा। तो यहाँ टी वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितना टीथ है एक के बीच का, एक स्पर व्हील के टीथ के बीच का डिस्टेंस टी मान लीजिए लेट सपोज इतना है, तो टी वन टीथ का जो डिस्टेंस करेगा, लेट सपोज टी वन टीथ इस स्पर व्हील में यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा टी वन, ठीक है, तो टी वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला आपको जो आया ये, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, लोड कितना ऊपर जाएगा, टी वन बाई टी टू, टी वन बाई टी टू इंटू टू पाई आर। आपको समझ में आया होगा कैसे ये वाला फॉर्मूला जो है वॉर्म एंड वॉर्म से व्हील से अलग है, ठीक है ना। इतना जो फॉर्मूला था वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का होता था, लेकिन चूंकि सिर्फ एक ही सिंगल थ्रेड तो है नहीं, जितना थ्रेड जितना टूथ जो है पिनॉन में होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उतना अल्टीमेटली डिस्टेंस मूव करेगा, उतना लोड उतना ऊपर जाएगा। तो बेसिकली वाला फॉर्मूला आया, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब तो कुछ नहीं है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय इफॉर्ट बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, डिस्टेंस इफॉर्ट बाय मूव्ड बाय इफॉर्ट आप जानते हैं 2πr होता है, बाकी ये तो हम लोग अभी तो निकाले हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला इतना हो जाएगा, टी टू बाई टी वन इंटू आर बाई
स्मॉल आर, ऑल राइट। और मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू डब्ल्यू वाई पी, तो उसको रख दीजिए एफिशिएंसी इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो डबल परचेज कर्व विंच आपके सामने है, ठीक है। मैं चाहता हूँ पहले आप इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिए, कुछ अंतर आपको इसमें दिख रहा होगा पिछले वाले से। पहला अंतर मैं बताऊं आपको, यहाँ एक्सियल तीन है, वहाँ दो एक्सियल था ऐसे, ठीक है, तीन एक्सियल है, ठीक है, वहाँ दो एक्सियल था, ठीक है। कितना जगह गियरिंग है, एक यहाँ पे गियरिंग है, एक गियर कनेक्शन यहाँ पे, ठीक है, दो जगह गियर कनेक्शन है। और ये तो आपका लेट सपोज कि यहाँ पे एक हैंडल लगा के हमने लेट सपोज आर लेंथ का, यहाँ से पी हम इफॉर्ट लगा सकते हैं, ऑल राइट। या फिर ये वाला कनेक्शन जो है, यहाँ से रस्सी से लोड लटका के अपना काम कर सकते हैं, दोनों ही सही है होंगे, ऑल राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पिनॉन है, पिनॉन, ठीक है ना, ये पहला पिनॉन है, ऑल राइट। ये जो है ये दूसरा पिनॉन है, ठीक है ना, और ये जो है जिससे लोड ड्रम लगा हुआ स्पर व्हील है, समझ लीजिए व्हील, ठीक है, और ये जो है आपका लोड ड्रम है, ये जो है लोड ड्रम है, इससे यहाँ रस्सी है, देखिए रस्सी से लोड लटक जाएगा, ठीक है। कनेक्शन समझ में आया, और ज़्यादा समझ में आ जाएगा अगली फिगर में। ये देखिए जो अभी हमने देखा वही चीज़ है एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पिनॉन, यहाँ भी पिनॉन, यहाँ स्पर व्हील, ठीक है, लोड ड्रम, यहाँ से लोड लटका हुआ है, बेसिकली एक कनेक्शन ज़्यादा कर दिया, ये एक गियर कनेक्शन, ये एक गियर कनेक्शन, ठीक है, दो गियर कनेक्शन यहाँ पे, वहाँ सिर्फ एक गियर कनेक्शन था, बाकी जो सबको जो कहते हो। मुझे ये फिगर बहुत अच्छा लगता है, मैं तो कहूँगा आप भी एग्ज़ाम में यही बनाइएगा। सबसे अच्छा बात यह मुझे इस फिगर की लगती है कि इसमें हम दोनों जो गियर कनेक्शन होता है उसमें हम वेर्थ अलग अलग दिखाते हैं, तो हमें एक कनेक्शन का पता चलता है, एक्चुअली कनेक्शन गियरिंग है कहाँ से, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है ये फॉर्ट है, ये इंटरमीडिएट साफ्ट और एक्सियल है, ठीक है, बाकी तो सब कुछ जो कहते हो। टी वन इस पर माना, टी टू जो है नंबर ऑफ टीथ इस पर माना, टी थ्री इस पर माना, टी फोर इस पर माना, चार जो हैं हमारे पास गियर्स चारों का हमने क्या क्या माना है वो हम लिख देंगे, मतलब वो हम हमारे नंबर ऑफ टीथ्स हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। मेरे जो फॉर्मूले होंगे इसी के लिए वैलिड होंगे, आप अलग दिखाएंगे तो फॉर्मूला बदल जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी लोग बनाना चाहते हैं तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा यही कहना है, मेरा बस इतना सिंपल सा कहना है कि आप ऐसे बना रहे हैं ज़रूर बनाइए, लेकिन इस पार्टीशन को ज़रूर दिखाइए, जैसे यहाँ पे है ना, इससे पता चलता है कि कहाँ तक पिनॉन था, कहाँ पे स्पर व्हील है, यहाँ पे भी एक पार्टीशन को ज़रूर दिखाइए आप, पता चले दो कंपोनेंट्स के बीच में मोशन हो रहा है, एक दूसरे को मोशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दो गियर कनेक्शन है, पता चले, ऑल राइट। अब किताब का गलत फिगर देखिए, ये फिगर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है, कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ पे कनेक्शन है, कुछ तो दिखाना चाहिए दोनों के बीच में, कहाँ से मोशन ट्रांसफ़र हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। एनीवेज इसलिए मैंने इतने सारे फिगर्स आपको दिखाएं कि आपने पसंद का कोई फिगर बना दीजिए, बाकी तो सब कुछ जैसी की तैसी है, पिनॉन कहाँ है, एक्सेल इफॉर्ट कहाँ है, इंटरमीडिएट एक्सेल जो बीच में एक्सेल हो गया उसको इंटरमीडिएट एक्सेल कह लीजिए, ठीक है, इफॉर्ट एक्सेल, इफॉर्ट इससे जुड़ा हुआ है इसलिए इफॉर्ट एक्सेल कह दिया इसको, ठीक है, बाकी लोड ड्रम अपनी जगह है ही।
स्पर व्हील है, ऑल राइट right. सब कुछ मैं बता चुका हूँ, T1, T2, T3, T4 किसको मानेंगे, R क्या है और R क्या है मैं बता चुका हूँ, WP क्या है ये दोनों बता चुका हूँ. तो बेसिकली सिर्फ हम लोग को फार्मूला समझना है, ठीक. तो एक बात बताइए, कितना लोड ऊपर जाएगा, लोड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लोड, कितना ऊपर जाएगा लोड, ऑलराइट. तो बेसिकली देखिए, इतना इतना वाला इतना केस को आप एनालिसिस कर लीजिए. लेट सपोज कि यहाँ पे कोई फॉल्ट लगा रहा होता पी, तब क्या होता फॉर्मूला, ठीक है, 2πr, r ये छोटा वाला, ठीक है, डिवाइडेड बाई T4, ये एक स्पर व्हील के दो टीथ के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इंटू T3, इतना होता फॉर्मूला. लेकिन 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 फर्दर T3 भी किसी चीज़ पे निर्भर कर रहा है, किस पे निर्भर कर रहा है, T3 का मूवमेंट भी किसी चीज़ पे निर्भर कर रहा है, T1 और T2 के रेशियो पे निर्भर कर रहा है, ठीक है, ओके. इस पूरे वैल्यू को यदि हम T2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, T2 से डिवाइड कर दें, लेट सपोज, है ना, तो होगा क्या, बेसिकली T2 से डिवाइड कर दें पूरे वैल्यू को, तो होगा कि T2 तो बेसिकली इसको T2 से डिवाइड कर देंगे, तो एक T2 दो टीथ के बीच, T2 में दो टीथ के बीच का डिस्टेंस जो है, उसकी वजह से T3 पे क्या मूवमेंट आएगा, वो बेसिकली हमको उसकी वजह से लोड में कितना ऊपर जाएगा, लोड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसकी वैल्यू इतनी हो गई, ठीक है. लेकिन T2 भी फर्दर T1 पे निर्भर कर रहा है, नंबर ऑफ टीथ इन वन, ठीक है, जितने T1 में जितने टीथ होंगे टोटल, उसकी उतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब हमें पता चलेगा टोटल कि कितना वैल्यू हो रहा है लोड का ऊपर मूवमेंट का, ठीक है. तो बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लेक्स था इसको समझना आपके लिए, लेकिन ज़्यादा इतना ही मुश्किल नहीं है, आप देखिए तो वो समझ में आ जाएगा, ऑलराइट. ऑलराइट, तो उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद वेलोसिटी रेशियो लिखना है. तो इफॉर्ट में 2πr मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, और ये लोड में मूवमेंट है, तो आपको वेलोसिटी रेशियो पता चल गया, ठीक है. इसी तरह जैसे पहले पिछले केस में आपने निकाला था, ठीक है, सिंगल परचेज कर्व विंच में, ठीक है, ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस r है, ठीक है,